हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम हारिस जमील है। मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ। आज हम कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर साइंस की बुक, 9th क्लास की बुक में से फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे थे प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसका आज हम टॉपिक करेंगे प्लानिंग अ सॉल्यूशन। सो इसकी पहले रीडिंग करेंगे हम, फिर उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट अ प्लान दैट मे लीड अस टूवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि हम जब एक प्रॉब्लम को अच्छी तरह उसको एनालाइज कर लेते हैं, उसको परख लेते हैं, तो फिर उसके बाद हम उसको फॉर्मुलेशन की तरफ जाते हैं, एक प्लान फॉर्मुलेट करते हैं जो हमारे सॉल्यूशन की तरफ को हमारा सॉल्यूशन हमें जो है वो एक देता है, हमारे तो सॉल्यूशन की तरफ लीड करता है। ठीक है, दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग द राइट स्ट्रेटजी फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। मतलब एक सॉल्यूशन प्लानिंग के जो एक स्टेप होता है ना, उसके अंदर हम राइट जो है स्ट्रेटजी फाइंड करते हैं, एक अपने बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। सॉल्यूशंस तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, मतलब उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन हमारे लिए क्या होगा वो हमने फाइंड करना होता है इसमें। ठीक है, सम ऑफ द स्ट्रेटजीज आर, अब यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज दी गई हैं, और सबसे ज़्यादा जो फेमस स्ट्रेटजी है वो है डिवाइड एंड कंकर। डिवाइड एंड कंकर आपको पता, आपको मैं थोड़ा सा उसका एक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि जैसे एक मेन चीज़ होती है, जैसे एक मेन सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन को आप सब सोल्यूशंस में डिवाइड कर देते हो। जैसे एक सोल्यूशन आपने बनाया, उसमें से डिराइव करके आपने दो सब सोल्यूशंस बना दिए। ठीक है, फिर उसके बाद उनको भी डिवाइड करके आपने और सब सोल्यूशंस बना दिए। अब पहले आप वो दो सब सोल्यूशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो आसान होगा आपके लिए सॉल्व करना। फिर उसके बाद जो दोनों वो सब सोल्यूशंस होंगे उनको आप मर्ज करके जब एक सोल्यूशन बनाएंगे ना, तो वो आपका बेस्ट सोल्यूशन कहलाएगा। इसके अंदर ऐसे ही ये बताया गया कि दिस स्ट्रेटजी डिवाइड्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। जैसे एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको स्मॉलर प्रॉब्लम्स के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हमने छोटे छोटे छोटी जो है प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर दी, और उन प्रॉब्लम्स को पहले सॉल्व करके उनके सोल्यूशंस जो हैं वो मर्ज करके फिर उसके बाद हम जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। गेस चेक एंड इम्प्रूव, द डिज़ाइनर गैसेज अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, जो डिज़ाइनर होता है, जो कोई सॉफ्टवेयर बना रहा है या तो कोई डिवेलप कर रहा है या उसकी जो जिसकी डिवेलपमेंट के प्रोसेस में शामिल है, उसको हम डिज़ाइनर कहते हैं। कि द डिज़ाइनर गैसेज अ सोल्यूशन, तो जो डिज़ाइनर है वो सोल्यूशन को गैस करता है। ठीक है, मतलब उसका जो है एनालाइज करता है कि सोल्यूशन क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन से सोल्यूशन हम जो है वो उसके अंदर हमें जरूर हो सकती है कि ये सोल्यूशन बेस्ट है या ये सोल्यूशन बेस्ट है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसकी करेक्टनेस चेक करनी होती है कि अब एक सोल्यूशन तो फाइंड कर लिया, मगर उसकी करेक्टनेस वो कितना करेक्ट है, कितने परसेंट वो करेक्ट है, कि कितना वो है इफेक्टिव है, उसको हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, इफ़ द सोल्यूशन इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस देन ही और शी रीडिफाइंस द सोल्यूशन के। और फिर अगर तो वो रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर पा रहा, एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पा रहा वो सोल्यूशन, तो फिर ये है कि वो सोल्यूशन को रीडिफाइन करना है, मतलब दोबारा वो सोल्यूशन फाइंड करना है हमने, और वो पिछला जो सोल्यूशन था वो एक्सपेक्टेशन को नहीं मैट कर सका। द रिफाइनमेंट इज़ एन आइटरेटिव प्रोसेस। अब ये इसमें जो रिफाइनमेंट प्रोसेस ना, कि दोबारा सोल्यूशन को फाइंड करना या इसमें उसमें रद्दोबदल करना, थोड़ा सा उसको बेटर करना, वो एक आइटरेटिव प्रोसेस है। आइटरेटिव का मतलब होता है कि जिसके अंदर ज़्यादातर मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल प्रोसेसेस के लिए ये यूज़ होता है। और इसके अंदर ये है कि एक ही बात चीज़ को जो है, जैसे एक सोल्यूशन है उसको अगेन एंड अगेन उसके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक है, इसको आइट्रेशन कहते हैं। ठीक है, एक्ट इट आउट इन दिस स्ट्रेटजी द डिज़ाइनर डिफाइंस द टू डू टास्क, आफ्टरवर्ड्स ही और शी परफॉर्म्स द टास्क। अच्छा, एक्ट इट आउट के अंदर ये है कि डिज़ाइनर जो है एक नंबर ऑफ टास्क डिफाइन कर लेता है जिसके थ्रू वो सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं, और ये है कि वो उनको टास्क को करके देखते हैं और एनालाइज करते हैं कि सोल्यूशन इसमें से कौन सा बेस्ट निकल रहा है। ठीक है, वो डिफरेंट टास्क रखते हैं, जैसे क्वेश्चनेयर्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, फिर उसके बाद और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि फेस टू फेस इंटरव्यू हो जाता, मतलब एक सामने बैठ के क्लाइंट के आप उनसे पूछ सकते हो, तो सोशल एनालिसिस कर सकते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे फिर ये है कि इन टास्क से भी आप जो है वो एक अच्छा सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। प्रोटोटाइप, दिस टेक्निक ड्रॉज अ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन। अच्छा, जब हमारा सोल्यूशन बन जाता है ना, मतलब हमारा सोल्यूशन जो है एक
मतलब हमने एक निकाल लिया सोल्यूशन, तो उसकी पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने एक कोई प्रॉब्लम है कि मैंने जो है वो वेब पेज बनाना है एक, तो मैंने उसका एक प्रोटोटाइप बना लिया, मैंने एक डमी वेब पेज जो है ना वो बना के मैंने क्लाइंट को सेंड कर दिया कि ये आपका जो है एक वेब पेज इस तरह का बनेगा। तो वो क्लाइंट को भी ज़्यादातर आइडिया हो जाता, हमें भी आइडिया हो जाता कि क्लाइंट ये चाह रहा है, और क्लाइंट को भी आइडिया हो जाता, और क्लाइंट ने जो चीज़ें चेंज करानी होती वो चेंज भी करवा लेता है, ठीक है। फिर ये है कि वो हमें सोल्यूशन फाइंड करने में आसानी होती है, और हमारा जो है ना वो ईजीली डेवलपमेंट का प्रोसेस ईजी हो जाता है। इट इज़ नॉट द फाइनल सोल्यूशन, मगर ये मैंने आपको अभी बताया ना कि ये एक फाइनल सोल्यूशन कभी भी नहीं होता, आपने ये बस बना के क्लाइंट को भेजना, उसको पसंद आएगा तो ये आगे चलेगा वरना नहीं चलेगा, ठीक है, ये फाइनल सोल्यूशन कभी नहीं होता। हाउएवर इट मे हेल्प अ डिज़ाइनर टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन। यही मैंने आपको बताया ना कि डिज़ाइनर को हेल्प करेगा और साथ क्लाइंट को भी हेल्प करेगा, क्लाइंट जो बताना चाह रहा है वो डिज़ाइनर तक इफेक्टिव वे में पहुँचेगा, उसको भी पता लग जाएगा मैंने क्या बनाना है, और जो है वो क्लाइंट को भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि डिज़ाइनर को अंडरस्टैंड कर गया कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। द सिलेक्शन ऑफ अ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम, ठीक है, कि डिफरेंट, अब ये चार यहाँ पे स्ट्रेटजीज हमने पढ़ी हैं, तो ये सारी स्ट्रेटजीज इनमें से कौन सी प्रॉब्लम में कौन सी स्ट्रेटजी हमने लगानी है, ये हमारे सिचुएशन पे, सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉब्लम है और किस प्रॉब्लम पे कौन सा ये जो है स्ट्रेटजी हम डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट वन स्ट्रेटजी मे बी मोर सुटेबल टू इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन देन दी अदर वन, ठीक है, कि इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया कि एक स्ट्रेटजी जो है वो हमें हमेशा लगेगा कि मोर सुटेबल है टू इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन देन दी अदर वन, क्योंकि ये है कि डिफरेंट सबके अपने अपने स्ट्रेटजीज़ के जो है वो सोल्यूशंस के ढूंढने के तरीके होते हैं, तो हम कोई सब इसमें से चार हम जो है वो सिचुएशन पे, जिस तरह की सिचुएशन होगी, जिस तरह की प्रॉब्लम होगी, उस हिसाब से हम सिलेक्ट करके उसी तरह हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। वेरी स्पेसिफिकली द स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको अभी यही बताया ना कि जिस तरह की प्रॉब्लम होगी उसी तरह के हम स्ट्रेटजी फाइंड करेंगे, कि सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेटजी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। जिस तरह अगर प्रॉब्लम जो है वो डिवाइड एंड कंकर में सही से सॉल्व हो जाएगी, तो हम डिवाइड एंड कंकर यूज़ करेंगे, हमें ये खुद ही एनालाइज करना है, इतना डिज़ाइनर को और एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को नॉलेज होना चाहिए, जाहिर बात है जब आप डिवेलपमेंट प्रोसेस में जाएंगे, अभी तो आप 9th में हैं, आगे जाके अब जब आप डिवेलपमेंट प्रोसेस में जाएंगे तो इस तरह की हो जाती है, मतलब इतनी नॉलेज आ जाता है। डिफाइनिंग कैंडिड सोल्यूशंस, द वर्ड कैंडिड रेफर्स टू समथिंग स्पॉन्टेनियस एंड अनप्लैंड। वर्ड कैंडिड का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस और अनप्लैंड, मतलब कि जो चीज़ है वो अनप्लैंड हो, जो हमने सोची ना हो, ठीक है, जो हमने पहले से ही प्लान ना की हो, ठीक है। इसका मीनिंग है कि हैपनिंग और डन इन अ नेचुरल ऑफन सडन वे, मतलब सडन वे में कोई चीज़ आपकी हो और जो आपने प्लान ना की हो और मगर आपको फोर्स करके ना करवाई गई हो, आपके अचानक से हो जाए, ठीक है। जैसे आगे बताया गया है, इसकी एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल हु कैन प्ले क्रिकेट। अच्छा, अब इसमें ये बताया गया कि आपको मैं एक टास्क देता हूँ आपको, ठीक है, एज अ स्टूडेंट मैं आपको टास्क देता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं, आप ये एनालाइज करो कि कितने बच्चे इसमें से क्रिकेट खेलते हैं और कितने नहीं खेलते, ठीक है। सो आगे यहाँ पे बताया कि यू कैन एस्टिमेट द फाइंडिंग क्रिकेट प्लेयर्स इन योर क्लास एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय टोटल नंबर। अच्छा, अब आप यहाँ पे करेंगे कि आपने अपने क्लास में फाइंड करने हैं बच्चे, ठीक है, कौन क्रिकेट खेलता है, फिर उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर देना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से अपने क्लास के, ठीक है, और ये कैंडिड सोल्यूशन हो जाएगा, अनप्लान्ड सोल्यूशन हो जाएगा, और ये फाइनल सोल्यूशन कभी भी नहीं होगा और ना ये एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा, ठीक है। ये बस ये एक अंदाज़ा एक लगाया है आपने कि इतनी इस क्लास में अगर होंगे तो बाकी क्लासेस में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अपना हम ये कैंडिड सोल्यूशन निकालेंगे। इसके अलावा जो एग्जैक्ट नंबर अगर हम फाइंड करना चाहें तो हमें अदर वे ऑप्ट करना पड़ेगा, मैं आपके साथ जाऊं या आप स्टूडेंट्स जाएं सारे और जाके हर एक क्लास विजिट करें और क्लास विजिट करके उसमें से डाटा आप सबका लें कि कौन क्रिकेट खेलता है, कौन नहीं खेलता, कौन किसको कौन सी स्पोर्ट्स पसंद है, उसके हिसाब से हम फिर एनालाइज करके एक जो है वो इन्फॉर्मेशन तैयार कर सकते हैं कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स कैन प्ले क्रिकेट और नॉट, ठीक है।
वन कैन थिंक ऑफ द कैंडिडेट कैंडिडेट सोल्यूशन एनी टाइम. अ कैंडिडेट सोल्यूशन कैन हेल्प टू सेव टाइम. ठीक है. अच्छा, कैंडिडेट सोल्यूशन जो है वो हमारा टाइम सेव करने में बहुत काम आता है. ठीक है, ज़ाहरी बात है, जब अगर आप सबके पास जा जा के पूछेंगे हर क्लास में कि आप क्रिकेट खेलते हैं कि नहीं, तो वो आपके लिए मुश्किल होगा. वरना अगर आप कैंडिडेट सोल्यूशन से, जैसे अभी हमने फाइंड किया था कि आपने मल्टीप्लाई कर लिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से, तो एनालाइज कर लिया कि बाकी बच्चे भी इस तरह ही होंगे, तो वो हो गया. मतलब ये है कि, लेकिन ये है कि ये फाइनल सोल्यूशन कभी भी नहीं होगा, ये आपको एग्जैक्ट नंबर कभी भी नहीं देगा. There are different ways shown to reach a certain place, which can be reached either by going across a wall or by going sideways. And one you can think can work, it is a candidate solution. It is not necessary that the candidate solution is the actual solution of a problem. ठीक है, इसमें यही अब बताया गया है नीचे के कैंडिडेट सोल्यूशन कभी भी एक्चुअल सोल्यूशन नहीं होता प्रॉब्लम का. ठीक है, ये एक अंदाजन होता है, एक अनप्लान सोल्यूशन होता है जो हम टाइम सेव करने के लिए ज़्यादातर कर लेते हैं, और ये कभी भी एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं देगा. चलिए आगे हम पढ़ेंगे सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन. समटाइम्स वी फाइंड मोर देन वन सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन अमंगस्ट देम. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डिवाइड एंड कंकर में आपको बताया था कि हम एक प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, उसको सब प्रॉब्लम्स में करते हैं और उन सब प्रॉब्लम्स का हम सब सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं. उन सब सॉल्यूशंस को हम सॉल्व करके, एक मर्ज करके एक प्रॉपर सॉल्यूशन बनाते हैं. ठीक है, तो अब जब हमारा ये कि हमने डिफरेंट सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं, तो फिर हमने उसमें से फाइंड करना होता है कि बेस्ट सोल्यूशन हमारा कौन सा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम दैट नेम्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन योर स्कूल आर अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट एंड यू आर आस्क्ड टू सर्च अ पार्टिकुलर नेम. ठीक है, अब जैसे मेरा नाम हारिस है, तो मुझे टास्क मिला है कि मुझे फाइंड करना है अली का नाम, फाइंड करना है कि हमारे स्कूल में की वेबसाइट पर सब बच्चों का जो है वो इंफॉर्मेशन दी गई, तो मुझे अली का नाम उसमें से फाइंड करना है और अपने क्लास के और बच्चों का, फॉर एग्जांपल दाऊद का नाम फाइंड करना है, मुझे मुझे अमन का नाम फाइंड करना है, इज़ इक्वल टू, ठीक है, और एक्सेट्रा बहुत सारे आगे बच्चे हैं. ठीक है, मुझे फाइंड करना है, तो यू कैन सॉल्व दिस सर्च बाय इधर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट. अच्छा, अब यहाँ पर मैथड्स दिए गए हैं कि हम क्या कौन से मैथड से सॉल्व कर सकते हैं. लुक एट ईच नेम ऑन द वेबसाइट वन बाई वन अनटिल द नेम इज़ फाउंड और द लिस्ट इज़ ओवर. ये बहुत ज़्यादा हैक्टिक है. ठीक है, इसके अंदर आप चाहेंगे कि आप हर एक नेम को वेबसाइट पर देखें और देख के उसमें से एक एक करके नेम फाउंड करें और पूरी लिस्ट को चेक करें. नहीं है, ये आपका बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और ये कभी भी बेस्ट सोल्यूशन नहीं हो सकता. ठीक है, टेक प्रिंट आउट्स एंड सर्च द रिक्वायर्ड नेम. अच्छा, अब आपने इसमें आपकी कॉस्ट भी लगेगी. प्रिंट आउट्स आप लेंगे, आपका पेपर की कॉस्ट आएगी, आपकी लिखने की कॉस्ट आएगी. ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट आएगी जब आपका कंप्यूटर यूज़ होगा, तो ये भी एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है. ठीक है, उसके अंदर से फिर आप सबके प्रिंट आउट्स निकाल के आप एक एक करके फाइंड करेंगे कि रिक्वायर्ड नेम कौन सा है, तो ये भी नहीं अच्छा सोल्यूशन. कॉपी नेम्स, पुट देम इन एक्सेल शीट एंड सॉर्ट देयर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सो अब यहाँ पे बताया गया कि वेबसाइट से कॉपी करें नेम्स, उनको एक्सेल एक्सेल की शीट में रखें और उसके बाद उनको सॉर्ट कर लें इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. सर्चिंग इन सॉर्टेड लिस्ट इज़ कंपैरेटिवली इजी. अब ये कुछ अच्छा लग रहा है सोल्यूशन हमें. ठीक है, ये हमें अभी भी ये फाइनल सोल्यूशन नहीं है, ये कुछ अच्छा लग रहा है सोल्यूशन कि हम पहले कॉपी करें सारे नेम्स और फिर उसके बाद उनको एक्सेल शीट में रखें, उनको सॉर्ट कर लें अल्फाबेटिकल वाइज कि अली का नाम जो है ए के अंदर आना चाहिए, अमन का नाम ए के अंदर आना चाहिए, हारिस का नाम एच के अंदर आना चाहिए, तो वो फिर उसके अंदर से फाइंड करना बहुत ईजी है. आपने अल्फाबेटिकल फाइंड करना है. फिर उसके बाद एक और सोल्यूशन दिया कि जस्ट प्रेस कंट्रोल प्लस एफ व्हेन द लिस्ट इज अवेलेबल इन अ वेब ब्राउजर यू कैन टाइप द नेम टू सर्च ऑटोमेटिक. अब ये सबसे ज़्यादा बेस्ट सोल्यूशन ये है, कंट्रोल प्लस एफ आप दबाएं. ठीक है, आपको जब लिस्ट अवेलेबल होगी वेब ब्राउजर के अंदर, उसके ऊपर आपको एक इनपुट आ जाएगी, आपको आपने उसके अंदर अपना रोल नंबर डाल देंगे, नाम डाल देंगे और वो ऑटोमेटिकली सर्च हो जाएगा और आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा. देयर कैन बी अदर सॉल्यूशंस एज वेल. नाउ वी कैन आइडेंटिफाई सॉल्यूशन दैट हैज़ लेस नंबर ऑफ स्टेप्स और दैट सीम्स मोर इफेक्टिव बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया.
अच्छा, ये इसके अलावा भी, ये तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन हमारा होगा, इसके अलावा भी हम सोल्यूशंस और फाइंड कर सकते हैं, नाउ वी कैन आइडेंटिफाई सोल्यूशन। अब ये कि हम इनमें से हमने आइडेंटिफाई कर लिया सोल्यूशन के, हमें फोर्थ सोल्यूशन अच्छा लगा है क्योंकि इसके लेस नंबर ऑफ स्टेप्स हैं और ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं है और ज़्यादा ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, ठीक है, और ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, इसको आप सब देखें अच्छे तरीके से पढ़ें, और ये सारे जो है ये लॉन्ग है प्लानिंग का सोल्यूशन, उसके अलावा इसकी इसके अंदर से डेफिनेशंस आती है, एग्जांपल इसकी आएगी, ठीक है, और ये भी एक लॉन्ग है, ठीक है, चार नंबर का ही लॉन्ग आता है, तो अच्छी तरह से इसको याद करें और वीडियो को लाइक शेयर और उस पर कमेंट करें, ठीक है। कोई भी आपको मुश्किल आती है तो नीचे कमेंट करें, मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगा उसके लिए। थैंक यू।